बिल्कुल बिल्कुल। आज तो इनके लिए यहाँ पे आए हैं, सतीश जी हैं यहाँ पे। आर्टिकल 2019 है, विच इज़ सी हमारे जैसे लोगों के लिए, खासकर मेरे जैसे के लिए जो मतलब इन टर्म्स ऑफ ये सब नहीं कर पाता, तो उसके लिए बहुत ही एक अच्छी देखने वाली चीज़, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग हो जाती है कि इतनी अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे। तकरीबन 300 आर्टिस्ट आए हैं, कुछ 3500 से ज़्यादा इनोवेटिंग आर्ट्स हैं जो अलग अलग तरीके के फॉर्म्स हैं। और आई थिंक यहाँ पे एक मतलब इन टर्म्स ऑफ इन सबका मिश्रण इतना अच्छा बनाया हुआ है कि आपने जो ओल्ड मतलब जो मास्टर्स हैं और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, उन सब का मिक्सचर है। तो जैसे यहाँ पे जो नए वाले हैं वो पुराने वालों से सीख भी सकते हैं काफ़ी चीज़ें। और यहाँ पे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी मुझे कि जितने भी आर्ट लवर्स हैं उनके लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए, देखने के लिए, बाय करने के लिए। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आई बिलीव, एंड ही इज़ द क्रिएटर, सो ही हैज़ अरेंज्ड एवरीथिंग आउट है सतीश जी ने। सो या थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू सर ने जो जो बोला बहुत अच्छा अच्छा बोला। सो वट एवर इट इज़ उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, सो थैंक यू फॉर कमिंग फॉर हियर। मेरी तरफ से मैं एक ही बोलूँगा, रियली वेरी वेरी थैंक यू फॉर, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि चीज़ें यही होती हैं। अच्छा यही लगता है कि जब आप आएँ किसी जगह और आपको दिल से खुशी मिलती है, क्योंकि मैं ही खुद पिक्चर्स खींच रहा था सारे पेंटिंग्स की और आर्टिस्ट के साथ, बिकॉज इतना अच्छा क्रिएशन जब दिखता है, इतनी अच्छी क्रिएटिविटी दिखती है, तो वो चीज़ ही अलग होती है, मज़ा ही अलग होता है। ऐसी कुछ हिस्टोरिकल थे मॉन्यूमेंट्स, बहुत अच्छे थे, कुछ आपका लैंडस्केप्स थे बहुत अच्छा था, नेचर पे था बहुत अच्छा था, स्पिरिचुअल इंडिवर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो बहुत अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिले हैं, बहुत अलग अलग चीज़ों का मिश्रण यहाँ पे है। तो यही है कि आप जिस स्टॉल पे जाते हैं आपको कुछ नया दिखता है, सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। तो इतना सारा आर्ट है यहाँ पे कि जिसे भी यहाँ पे आना है या कुछ ख़रीदने का शौक़ है या सीखने का शौक़ है, सो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। यार पर्सनली मुझसे पूछे तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं इनसे यही बोल रहा था कि यार मुझे बताते रहना क्या क्या है, बट सीख मैंने ये नोटिस किया है और थोड़ा सीखा है चलते चलते कि यार ये सब खुद ही बोलते हैं, आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप एक चीज़ को देखते हैं सो वो इतना क्रिएटिव होता है और आपको सामने पता चल जाता है विजुअली क्या बता रहा है वो चीज़, आर्ट क्या बता रही है, वो पेंटिंग क्या बता रही है। सो हैट्स ऑफ टू एवरी वन ऑफ देम, दे आर ऑल अ वेरी वेरी टैलेंटेड। मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकता सपने में ये सब करना, सो या बट एवरी वन हैज़ देयर ओन फोर्टे एंड टैलेंट, दे ऑल अ वेरी टैलेंटेड।